नमस्कार। योगेंद्र मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज से ही बोल रहा हूँ। आज भी मैं सिर्फ गुरु के विषय में ही बात करना चाहता हूँ। कहे गुरु जब यहाँ रहेंगे, वृषभ राशि में जब गुरु आएंगे 2 मई को या 1 मई के रात में, 1 मई को दोपहर में आ जाएंगे, तो करीब करीब 1 वर्ष से ज्यादा रहेंगे। तो पहले तो वृषभ राशि को समझ लीजिए जिसमें गुरु या भगवान आएंगे। कुंडली में गुरु को भगवान मानिए। देखिए वहीं पर भगवान तो नहीं है आपके, हालांकि नौ मेष को देखा जाता है। तो मैंने एक चार्ट बनाया है। वृषभ राशि में जब गुरु रहेंगे तब वो कृतिका नक्षत्र में रहेंगे और दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण भोग करेंगे कृतिका का, और फिर रोहिणी के 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण तक भोग करेंगे। तो 4, 3, 7 हो गया। और मृगशिरा के 2 नक्षत्र जो है 2 चरण भोग करेंगे इसमें, तो 7, 2, 9, तो 9वां हो गया। अब देखिए मैं कुछ बात बता रहा हूं, खास करके विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूं जो लोग थोड़ा भी सीख रहे होंगे। कुछ ऐसी चीजें मैं लिख रहा हूं जो संभवतः आप अपने जीवन में भी खोजते खोजते नहीं खोज पाएंगे। संभवतः, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, इसलिए जो इस बोर्ड पर लिखा हो ना उसको उतार लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जैसे कर सकते हैं रख लीजिए, उतार लीजिए। मतलब जैसे भगवान गुरु वृषभ राशि में ढुकेंगे तो कृतिका का दूसरा चरण होगा वृषभ राशि में और 9वां होगा 10, मकर 9वां रहेगा, और इस मकर 9वां के देवता होंगे, मालिक स्वामी होंगे देवता। और यदि किसी का जन्म वृषभ राशि के गुरु में रहते, चाहे पहले या अभी दूसरे चरण में जन्म हुआ, कृतिका का दूसरा चरण में जन्म हुआ है, तो वो बच्चा शास्त्रज्ञ, बहुत ज्ञानी, ज्ञानी होगा, धार्मिक होगा, और धनी होगा। मतलब उसके क्वालिफिकेशन इतने होंगे जिससे उसको धन मिलेगा, एंड बेसिकली ही विल बी ए गुड मैन। सिर्फ एक उसके 9वां के बारे में यदि आप जान जाते हैं तो इतनी चीज तो आप जान ही गए, ये पक्की बात है। और ये 10 नंबर मकर राशि पैर को बोलते हैं, नी से नीचे पैर को 2 टुकड़ा कर दीजिए, 2 भाग कर दीजिए, तो पहला भाग 10 होगा मकर, और उसके नीचे जिसमें अंगुलियां रहती हैं वो वाला पोर्शन जो है 11 होगा। तो मकर 9वां में जिनका जन्म कृतिका के दूसरे चरण नवम 9वां में जन्म होगा वो शास्त्रज्ञ होंगे, विद्वान होंगे, धनी होंगे। अब गुरु तो इसी में आ रहे हैं, 1 तारीख को दोपहर से गुरु प्रवेश कर रहे हैं वृषभ राशि में। जितनी माताओं के बच्चे जन्म लेने वाले हैं, और यदि उनका जन्म दूसरे चरण में हुआ हो कृतिका नक्षत्र के, तो बाकी सब
जो ग्रह की स्थितियां हैं वो सब तो अपनी कहानी कहेंगे ही, लेकिन नटसेल में ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये लड़का शास्त्रज्ञ हो गया, शास्त्रों को पढ़ेगा। शास्त्र बोलते हैं देवताओं की पुस्तकों से, ईश्वर की पुस्तक जुड़ी हुई पुस्तकों को शास्त्र बोलते हैं, सनातन धर्म के पुस्तकों से जुड़ी हुई शास्त्र कहलाती है। ज्योतिषी एक शास्त्र है, ऋग्वेद, वेद, उपनिषद, पुराण, 18 पुराण, ये सारी चीजें शास्त्र के अंदर में आते हैं। तो ये शास्त्रज्ञ होगा, बहुत विद्वान होगा और धनी भी होगा, धार्मिक भी होगा। और मकर राशि होने के कारण उसको जल से दोस्ती होगी, लिक्विड से दोस्ती होगी, पानी से दोस्ती होगी, मतलब वाटर और ए लिक्विड विल बी ए फेवरेबल पॉइंट फॉर हिम। क्यों बोल रहा हूं, इसलिए कि देवता नवांश में है, इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन किसी बच्चे का जन्म यदि तीसरे चरण में होगा और उसमें कुंभ नवांश होगा और ये नर नवांश है, देवता नवांश नहीं है, ये नर नवांश है, तो जस्ट अपोजिट, ये लड़का अशक्त होगा, धार्मिक नहीं होगा, विद्वान भी नहीं होगा, बुरे आचरणों से युक्त होगा, झूठ बोलेगा, सत्य से भागेगा, असत, हर वो चीज जिसमें ईश्वर निवास करते हैं, हर वो चीज जो शास्त्रीय ढंग से सही है उसको अच्छा नहीं लगेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, उनसे दास ने बहुत बड़ा लाइन लिखा है और मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूं कि दक्षिण भारत में जाइएगा तो 1 साल से 6 साल के बच्चे की कुंडली नहीं देखते हैं। कुंडली बना के आपको एक मोटा मोटी बोल देंगे कि हाँ ये 27 में पड़ा है, नहीं है ऐसा वैसा कर लीजिए। इसलिए कि 6 साल तक माता के पुण्य अपुण्य से उसके जीवन में बदलाव आता है, उसके ग्रहों में जो स्थिति है उसके फल में बदलाव आता है, निम्न कोटि का हो जाता है। और 7 साल से 12 साल तक में यदि पिता का चाल चलन या धर्म के प्रति रुचि कम हुई तो उसमें फिर बच्चे का भाग्य घट जाता है। इसके बाद आदमी का अपना स्वतंत्र कुंडली चल रहा है, इसमें यदि आपके अपने चाल चलन ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो फिर वहां पर गड़बड़ी हो जाएगी। तो चूंकि गुरु आ रहे हैं, जब दूसरे चरण में आएंगे तो देवता नवांश में है, कृतिका के तीसरे चरण में जब आएंगे तो नर नवांश में है और अशत होंगे। धर्म प्रधान ये व्यक्ति बच्चा नहीं होगा, छल कपट धोखा, किसी तरह से इसको धन चाहिए, असत्य मार्ग से भी धन चाहिए, जैसे घूस घूस लेते हैं, छल कपट करके दूसरे को धोखा देके भी धन ले लेते हैं लोग। तो ये सब चीज बच्चे में तब आएगा जब वो वृषभ में गुरु आएंगे और फिर तीसरे चरण में आ जाएंगे। तब यदि यही गुरु आगे बढ़ करके चौथे चरण में आ जाएंगे, देखिए 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है, तो पंचांग में डेट दिया रहता है कि 3 डिग्री 20 मिनट ये कब तक रहेंगे, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक कब तक रहेंगे, तो 6 डिग्री 40 मिनट तक ये है, 10 डिग्री तक है और चौथा चरण जो है 13 डिग्री 20 मिनट तक है। नोट भी कर लीजिएगा, यदि समझने में दिक्कत है तो जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए मेरे शब्दों को। तो जब चौथे चरण में गुरु आएंगे
कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण में जब आएंगे तो राक्षस नवांश होगा, राक्षस नवांश होगा, देवता नहीं, नर नहीं, राक्षस नवांश। लेकिन मजा का बात यह है कि ईश्वर की कृपा ऐसी है, ईश्वर ने कहा है कि ये जो राक्षस नवांश होगा ये पुष्कर नवांश कहलाता है। ये नवांश वर्गोत्तम है लेकिन किसी कारणवश ये पुष्कर नवांश कहलाएगा, वर्गोत्तम नवांश से भी श्रेष्ठ। तो ऐसे बच्चे को यदि प्रारंभ से ही उसकी शिक्षा दीक्षा संस्कार ठीक हो, माता पिता ठीक से उसका पालन पोषण करें, मस्ती में उसको नहीं जीने दें, थोड़ा सा संस्कार दें, तो लड़के में आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है और ये कंजूस तो रह जाएगा लेकिन दुखी नहीं रहेगा। फिर मतलब उसको धन जमा करने की प्रवृत्ति होगी, वो दुखी नहीं रहेगा। दुखी क्यों नहीं रहेगा, उसका कारण ये है कि ये जो चौथा चरण है कृतिका का वो मीन नवांश में आता है और पुष्कर नवांश में आता है, इसलिए कंजूस हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, दुखी नहीं होगा। देखिए दीर्घकालीन ग्रह, जैसे गुरु एक साल सवा साल रहते हैं एक राशि में, शनि एक राशि में ढाई साल रहते हैं, राहु केतु एक राशि में डेढ़ साल रहते हैं 18 महीने, तो इन सब कुंडलियों में नवांश देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जो लोग नवांश नहीं जानते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, मैं तो कहूंगा एस्ट्रोलॉजी छोड़ दीजिए, आपके बस की चीज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी छोड़ दीजिए, फिर किसी किसी को धोखा हो जाएगा आपसे, किसी किसी को धोखा हो जाएगा, ऐसा काम ना करें। अब यही ग्रह बढ़ते बढ़ते जब कृतिका पार कर गया, यहां पर आकर के जब पार करके ये रोहिणी के पहले चरण में आया, रोहिणी नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का, उसमें जैसे ढुकेंगे पहला 3 डिग्री 20 मिनट में जब तक ये रहेंगे और उसमें किसी भी बालक का जन्म होगा तो लड़का बहुत लकी होगा। लकी होगा मैंने लकी होगा, वो क्यों कि पहला तो देवता नवांश में होगा और मंगल के नवांश में होगा, उसके अंदर में ऊर्जा शक्ति सामर्थ्य पॉजिटिव होने से सब हो जाएगा उसको। तो भगवान ने कहा कि लकी होगा, लकी हमने इंग्लिश में लिखा है भाग्यशाली, एक बात मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए हमारे यहाँ नॉर्थ में शिवहर अभी जिला हो गया, हम लोग के यहाँ पंडित जी का गांव ही था, जहाँ मेरा गांव था, वो लोग सिर्फ लग्न कुंडली ही बनाते थे, इससे आगे नहीं कुछ करते थे। नवांश कुंडली में बोलने से बोलते थे बतवाए क्या बात कर रहे हो नवांश कुंडली, अरे किसी न किसी डिग्री में तो हमेशा रहेगा उसका, हमका तो उसका फल तो बोलना पड़ेगा आपको ना, नहीं तो फिर ज्योतिषाचार्य क्या चीज के हैं। तो ये स्थिति होती है, उसके बाद रोहिणी के दूसरे चरण में जब ये आएंगे तो लड़का जन्मना वीक होगा, कोमल होगा, डेलिकेट होगा, उसके अंदर में इतनी शक्ति नहीं होगी कि किसी से युद्ध कर सके, मतलब शरीर से वो शारीरिक श्रम करने के लायक नहीं है, जल्दी थक जाएगा। तो माता पिता का कर्तव्य है कि बचपन से ही उसको थोड़ा सा शक्तिशाली बनाए, सामर्थ्यशाली बनाए।
जब ये दूसरे चरण में आएंगे, गुरु घूमते घूमते, ये गुरु घूमते घूमते जब दूसरे चरण में आ जाएंगे तो वीक होगा, और जब ये तीसरे चरण में आ जाएंगे तो राक्षस नवांश होगा, ये कमजोर नहीं होगा, डेलिकेट नहीं होगा, लेकिन टिमिड होगा, डरपोक होगा। बचपन में भूत का डर लगेगा, अंधेरे में जाना नहीं चाहेगा, जब तक मम्मी का उंगली नहीं पकड़ेगा जाना नहीं चाहेगा, टिमिड, किसी चीज को करने में आगे नहीं बढ़ेगा, उसको धीरे 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 साइकोलॉजी के लिए आपको बचपन से ही 10 12 साल 14 साल तक उसको स्कूल के शिक्षा के साथ साथ, यदि कोई है अच्छे आपके जानकार मित्र में से कोई साइकोलॉजिस्ट है तो धीरे 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 कभी घर में चाय पर बुलाइए उनको, और ये मत बोलिए कि वो डॉक्टर हैं, उनसे बोल बोल करके कैसे भी बात करके इसके अंदर में कुछ ऊर्जा भरिए। और यदि चौथे चरण में हो तो लड़का सक्सेसफुल होगा। गुरु जब रोहिणी के चौथे चरण में जाएंगे तो लड़का सक्सेसफुल बॉय होगा, चाहे वो पढ़ाई कीजिए, चाहे वो जो कराइए, बिजनेस कराइए, जिस लाइन में वो जाता है, बाकी सारे ग्रह जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से जो शिक्षा उसकी होती है वो विजयी होगा, सक्सेसफुल होगा। और सत्यवादी होगा, झूठ कभी नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, छल कपट नहीं करेगा। तो तीसरे और चौथे चरण तक रोहिणी का जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया है, जो समझ लीजिए। लेकिन जब गुरु नवांश में मृक्षरा नक्षत्र के नवांश में आएंगे, कृतिका का 3 चरण, रोहिणी का 4 चरण और मृक्षरा का 2 चरण, 9 चरण हुआ ना, नवांश बोलते हैं, एक टुकड़े को नवांश बोलते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट को। तो मृक्षरा का जो पहला नवांश है, मतलब 5 नवांश होगा, सिंह नवांश होगा, लड़के में योग्यता है, सक्सेस होने की पूरी संभावना है, यदि उसकी कुंडली में कहीं सूरज थोड़ा भी बलशाली है तो गेस्टेड ऑफिसर हो सकता है, मंगल ठीक है तो लड़के के अंदर में बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है, ज्ञान है, वो कोई भी इंजीनियरिंग चीज पढ़ सकता है, यदि उसको स्किल पढ़ाइए बहुत बढ़िया होगा, स्किल मेकिंग पढ़ाइए सक्सेसफुल होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज है। नवाज से बोल रहे लोगों तो इट इज अनदर स्टोरी, है बिग स्टोरी। तो जब मृक्षरा के 6 नवांश में जाएगा तो ये राक्षस नवांश है, इसमें जो बच्चे का जन्म होगा वो नेताजी होगा, स्पष्ट लिखा हुआ है नेता, ए लीडर। नेता का मतलब नहीं कि टोपी लेकर के वो पॉलिटिकल नेता होगा, यही जरूरी नहीं है, वो होगा ही, चाहे वो स्कूल में नेता हो, चाहे समाज में नेता हो, चाहे पॉलिटिकल नेता हो, चाहे अपने एजुकेशन फील्ड में नेता हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर में अद्भुत शक्ति होगी जो अपने पीछे कम से कम 150 आदमी को अपने पीछे चला सकता है, उसके अंदर में योग्यता रहेगी। अब यदि किसी की कुंडली में बहुत योग है, बलवान है, तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, उससे भी बलवान है तो राष्ट्रपति हो सकता है, सामान्य बली है सूरज और शनि तो विधानसभा में आ जाएंगे। तो ये हमने आपको वृषभ में गुरु जब रहेंगे नवांश वाइज हमने आपको कहानी बताई, आज यहीं तक समाप्त करते हैं, कारण कि गुरु का हिस्सा बहुत है बताने लगूंगा दिक्कत होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे 1 तारीख को यहाँ पर ढुकेंगे कृतिका के चरण में, तो कृतिका किसके लिए शुभ है, किन किन लोगों के लिए कृतिका
सम्पूर्ण तारा में है, क्षेमा तारा में है, और सक्सेस तारा में है, मित्र तारा में है, परम मित्र तारा में है, उनके लिए ये गुरु बहुत कुछ देने जा रहे हैं। तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा, कृतिका आपके लिए ठीक है, चंद्रमा रोहिणी ठीक है, और मृगशिरा ठीक है। तीन नक्षत्र आपको वृषभ राशि में रहते रहते गुरु तीन नक्षत्र को नेगोशिएट करेंगे और नौ नवांस होंगे इसमें, तीन 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 डिग्री बीस मिनट के, तीन डिग्री बीस मिनट के, तीन डिग्री बीस मिनट के कृतिका रहेंगे। और बच्चे जो रोहिणी होंगे वो तेरह डिग्री बीस मिनट के होंगे, और मृक्षरा जो है वो छह डिग्री चालीस मिनट तक के होंगे। तो जो लोग पंचांग देखना जानते हैं देख करके अपना समझ लीजिए, नहीं तो मैं तो धीरे धीरे कुछ बताऊंगा ही आपको। मैं एक बात बार बार बोलता हूं, देखिए मैं कोई संत नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, साधु नहीं हूँ, महान व्यक्ति नहीं हूँ, कोई इतनी पवित्र आत्मा नहीं हूँ। लोग गुरु जी बोल देते हैं झूठ के, ये झूठ का पुलिंदा है, मैं गुरु जी तो हूँ नहीं। आई नो एस्ट्रोलॉजी, जो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों को, और आप भी एस्ट्रोलॉजी कहीं है किसी क्षेत्र में हमसे ज़्यादा जानते होंगे, ये संभव है। तो कोई किसी का गुरु नहीं है, गुरु तो आपके माता पिता होते हैं, मम्मी गुरु, फिर पिताजी गुरु, तीसरे कृष्णम बंदे जगत गुरु, या जो भी आपके गुरु हैं आप देख लीजिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चाहे गुरु हो, चाहे मित्र हो, चाहे सखा हो, चाहे आपके भलाई चाहने वाले हैं, एक चीज तो मैं बोलूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ईश्वर से जुड़ने के लिए कुछ चाहिए। एक कागज को कागज से सटाने के लिए या दीवार में सटाने के लिए ग्लू चाहिए, कभी ना उसमें लगा के चिपकाएंगे तो चिपकेगा। उसी तरह से इतना बड़ा शरीर ईश्वर के चरणों में चपकने के लिए कुछ तो चाहिए, इसके अंदर में चाहिए। और वो है स्नेह, प्रेम, करुणा, दया, माया, श्रद्धा, प्रीति, ये सारी चीजें हो आपके अंदर में तो ठीक है। और आपके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच और घृणा, ये 10 आइटम नार हैं, तभी आप ईश्वर के चरणों में आप सट सकते हो। आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं या नहीं पूरी हो रही हैं, ये तो विधाता ने लिखा है, ये तो विधाता ने लिखा है। और कैसे लिखा है? आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से लिखा है, और उसमें परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। ये बात मैं बराबर बोलता हूं, जो एक बार ब्रह्मा जी ने लिख दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता, स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो आप ही कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं? विधाता ने जो लिखा वो मिटेगा नहीं, वो इतना दुख दिए हैं तो घट के इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इसमें घटी बड़ी हो सकती है। आप उपद्रव करेंगे, आप यदि योग्यता नहीं रखेंगे ईश्वर के साथ करने का, तो आपके जो पाप हैं बढ़ते चले जाएंगे, ईश्वर तो आपसे बहुत दूर निकल जाएंगे। तो एक दिन में कोई आदमी महर्षि नहीं हो सकता है, महात्मा नहीं हो सकता, एक दिन में किसी का विचार नहीं बदल सकता है, बदलना पड़ता है। एक दिन काम छोड़िए ना इसको, एक महीना दो महीना में इसको छोड़िए, मन के अंदर दूसरे व्यक्ति के प्रति खूब अच्छी धारणा ना बने, स्नेह से श्रद्धा से आप नहीं देख सकते हैं आंखों से, तो मन के अंदर में काम जागृत हो जाती है, विशेष करके लड़कियों औरतों के साथ। क्रोध, जो चीज हमको चाहिए वो चीज नहीं मिलता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्रोध पाप का मूल है, पाप मूल अभिमान, जो हमको चाहिए वो नहीं मिलने से क्रोध तो उत्पन्न होगा।
लोग एक कंपेरेटिव भावना है, उसको ये है मेरे पास नहीं है, तब ये लोग की बात है। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमको ईश्वर ने इतना ही दिया है, ब्रह्मा जी ने हमको इतना ही दिया है, हमको हाथ नहीं फैलाना, जितना हाथ फैलाएंगे मिलना तो है नहीं, मिलना तो वही है जो ब्रह्मा जी ने दिया। तो बहुत सारे आइटम है जो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इसमें दृढ़ कर्म और दृढ़ कर्म और जो क्रियमान कर्म, ये तीनों कर्म अपने अपने ढंग से हर आदमी को भोगने पड़ते हैं। कोई भी आदमी कितना भी छिपके कुछ कर ले, पाप कर ले, तो ईश्वर देख रहे हैं। कोवा हीयते प्रचन्न कृतम पापम, और यदि प्रचन्न कृतम पुण्यम, आप दान कर रहे हो बाएं हाथ को मालूम नहीं है, ठीक है आपको नहीं मालूम, आपके परिवार के मालूम नहीं, लेकिन भगवान को तो मालूम है, तो थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। कोई महात्मा नहीं हूं मैं, एक उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं कुंडली के लिए बात बोल रहा हूं, कारण कि गुरु का मतलब ही समझिए गॉड, गुरु, जिसके कुंडली में गुरु शुभ है, शुभ ग्रहों से देखे जा रहे हैं और बलशाली हैं, वो व्यक्ति तो राइज करेगा, उसका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। जिसके गुरु में गुरु 6, 8, 12, 11, 3 ऐसे भाव में पड़े हो और पाप ग्रह के साथ भी हो, तो कहा ये दुष्ट ग्रह हो गए, ये आपको कष्ट देंगे, और अपने वजन के हिसाब से स्थान हानि करो गुरु। तो गुरु के बारे में जितनी जानकारी ले सकते हैं लेके रखिए, कारक के सारी चीजें जानकारी लेके रखिए। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा, गुरु तो एक साल रहेंगे और अभी समय है, पूरा अप्रैल मैं कोशिश करूंगा कि गुरु के बारे में जितनी चीजें संभव है सब आपको मैं बता दूं। और बच्चे जो टीवी में जो गुरु जी लोग बताते हैं उसको भी सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए, ऐसा बात नहीं कि वो लोग कुछ नहीं जानते, जानते ही हैं, हमसे ज्यादा भी जानते हो तो आश्चर्य की बात नहीं है, कुछ सुननी चाहिए, लेकिन आप अपने दिमाग से उसको हटाइए और नक्षत्र सिद्धांत पर तौलिए, तराजू निकालिए नक्षत्र सिद्धांत का, कृतिका अशुभ है तो ये 10 डिग्री तक गुरु 10 डिग्री तक अशुभ रहेंगे, रोहिणी शुभ है तो प्लस 13 डिग्री 20 मिनट तक ये शुभ रहेंगे, मृक्षरा शुभ है तो प्लस 6 डिग्री 40 मिनट तक शुभ रहेंगे। तो नक्षत्र सिद्धांत से तौलिए, जो मैं अभी तक बोलता आया हूँ, मेरी इच्छा थी यही, और हमको लगता है सब कोई जान भी गए होंगे नक्षत्र सिद्धांत से वर्कआउट करना, और वही ज्योतिष का असली अस्त्र शस्त्र है, वही नीरछीर करता है। हंस जो है दूध और पानी मिला दीजिए तो हंस उससे सिर्फ दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, अकेला हंस में ये क्षमता है, भगवान ने सिर्फ हंस को ये क्षमता दिया है कि दूध पानी मिला दीजिए तो सिर्फ दूध को वो पी लेगा, शेष पानी बच जाएगा। नीर छीर करने वाले जो है वो हंस होते हैं, तो हमको अपने तर्क के जरिए अपने दिमाग को हंस रूपी पक्षी बनाना हो कि ताकि हम नीर छीर सही ढंग से करने कि कौन पानी है और कौन दूध है, कौन दूध है और कौन अमृत है, ये समझना पड़ेगा। व्यर्थ के विवाद में मत पड़िए, एक जगह कहीं गलती हो गई तो एक्सेप्ट कर लीजिए, कहा ये गलती हो गई, तभी ना आप आगे बढ़िएगा, तभी ना आप आगे सुधार कर पाइएगा। तो आज यहीं तक, इति शुभम तेहंदो इनाग्ये जोहार। एक
एक जो परेशानी थी वो अभी तक गई नहीं है, मतलब दर्शक लोग दर्शक हैं लेकिन जुड़े नहीं हैं हमसे। 100-150 ऐसे 200 आदमी रोज जुड़ रहे हैं, इतना ही है। एनीवे प्रारब्ध मेरी बात तो अच्छी नहीं लगती होगी, बहुतों को मेरी बात जरूर अच्छी नहीं लगती होगी। और लगता क्या होगा कि वो जो बोल रहे हैं कि वृषभ राशि में जब गुरु रहेंगे तो मेष राशि वालों के लिए क्या मिलेगा, वृषभ राशि वालों को क्या मिलेगा, मिथुन राशि वालों के लिए क्या होगा, कर्क राशि वालों के लिए क्या होगा, ये सिंपल चीज चाहिए। मैं ये भी बोल दूंगा जितना उसमें सही मिला करके बोल सकता हूं मैं बता दूंगा। उसमें जो ऐसी चीजें ढूंढ जाएंगी जो नहीं बोलने चाहिए वो मैं छांट करके मैं बता दूंगा कि मेष राशि वालों के लिए क्या होगा, वृषभ राशि वालों के लिए क्या होगा, मिथुन राशि वालों के लिए क्या होगा, कर्क राशि वालों के लिए क्या होगा, ये सब मैं बता दूंगा। लेकिन जो अभी बता रहा हूँ वो बहुत कीमती चीज बता रहा हूँ। संभवतः कुछ ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर होंगे जो बूढ़े हो गए होंगे हमारे ऐसा, और उनको ये ज्ञात नहीं होगा कि कृतिका के दूसरे चरण में जिनका जन्म होता है वो शास्त्रज्ञ और धनी होते हैं। नहीं होगा उनको जानकारी, नई जानकारी है। आप भी जो लोग हमारे श्रेष्ठ हैं आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए और यूज कीजिए। यदि उसकी कुंडली में शिक्षा का घर सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस ठीक है, और यदि कृतिका के दूसरे चरण में जन्म है तो उससे ज्यादा पढ़ने लिखने वाला कोई बच्चा नहीं होगा। ही कैन डू एनीथिंग, 1-2-3 PhD कर सकता है, नई इन्वेंशन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उसी तरह से उपयोग कीजिए। मैं तो सिर्फ जो एग्जांपल देता हूँ उपयोग करने के लिए देता हूँ। आज यहीं तक, इति शुभम, तहन दो, इनाग्य, जोहार।